के भजन लाल गांधी जी कांग्रेस जी एक एक वोट बहुत कीमती है और राम ने फिगर सोमनदा स्वागत है। राम राम सभी को, जय श्री राम। और जो आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है, मोदी जी कोटपुतली में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत मैं तो करूंगा नहीं। कोटपुतली के जो एमएलएज हैं और आसपास के जो एमएलएज वगैरह हैं वो करेंगे, वो संबोधित करने आ रहे हैं। क्या होता है उनके पार्टी वगैरह का, बोल श्याम प्यारे की जय। मतलब मोदी जी आ रहे हैं, तो अभी हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, ठीक है। तो आप लोगों को आज मोदी जी के दर्शन करवाएंगे, कोशिश करेंगे। बाकी मुझे लगता नहीं है मैं करवा पाऊंगा दर्शन, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। किसी को हो जाए तो कर लेना। बाकी गाइज अभी मतलब पंडाल के बाहर, मतलब ऐसे मान लो बाहर ही पहुंच गए। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, दिखाता हूँ क्या क्या व्यवस्थाएं वगैरह हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखेंगी। जैसे सोच ओए तो कोई इशू थोड़ी होगा, पुलिस वाले को बोलेंगे, पक्की बात है। तो यहाँ पे चाहे ये मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार सारे स्टार, उधर कॉन्स्टेबल वगैरह हो गए, इधर सारी चीज़ें होगी। ये आप लोगों को दिख रही होगी एंट्री वगैरह सारी, मतलब दूर दूर तक जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना, पुलिस ही पुलिस दिख रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। मतलब जो सिक्योरिटी है ना वो हाई लेवल के ऊपर मेंटेन की गई है और होनी भी चाहिए। क्यों ये पीएम आ रहे हैं तो छोटी थोड़ी आ रही है, इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये दिखाता हूँ आप लोगों को। अब यार स्पेशल टास्क फोर्स, ये स्पेशल टास्क फोर्स है जो कि आई है, मतलब उसमें देखना पंडाल कितना बड़ा है। और भाई साहब ये जो पंडाल है ना एल्यूमिनियम का है, और मैं जितना मेरा अंदाजा है ना, जितना मेरा अंदाजा है भाई साहब डेढ़ से 2 करोड़ के कितने के, डेढ़ से मतलब बाहर खड़े थे अंदर आए, बाहर से अंदर आए, मतलब सिर्फ बाहर से अंदर आए। बाहर से अंदर पता क्या, पहले चेक हुआ, चेक होने के बाद वो बोलते हैं कि रुमाली वगैरह तो नहीं आपके पास, रुमाली वगैरह चेकअप होती है, मतलब सारी चीज़ चेकिंग वगैरह प्रॉपर वे में हो रही है। और उसके अलावा जैसे आगे एंट्री हुई, उसके बाद एक भाई ने पूछा कि गुटखा वगैरह तंबाकू वगैरह तो नहीं आपके पास, ठीक है, ये चीज़ें भी मतलब बोली गई थी। और अभी यहाँ पे चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे कुर्सियाँ डल रही है, आगे भी कुर्सियाँ डल रही है। इतना बड़ा पंडाल है, देखो कितना बड़ा पंडाल है यार, कोई लिमिट नहीं है, इतना बड़ा पंडाल मतलब बनाया गया है। अनिल चोपड़ा जी को दूंगा, ठीक है, ओके गलो तेरी सोगन बेइज्जती कर दूंगा मैं, सिर्फ मोदी जी को देखने वोट अनिल चोपड़ा को दूंगा भाई साहब, कंट्रोवर्सी में जाऊंगा। गाइस ये लोकेशन है ना, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है मैंने, ठीक है। और ये जो लोकेशन है ना, आप उधर से लेके इधर तक नज़र मार लो, दूर दूर तक गाड़ियाँ खड़ी हैं। अभी और आएंगी, अभी टाइम हुआ नहीं है, मतलब फिर से मोदी जी के पास आ चुके हैं, थोड़ी देर पहले हम चले गए थे यहाँ से और फिर से उसी लोकेशन पर पहुँच रहे हैं। इनका आपको एक बार काफिला दिखा देते हैं, ओए इधर से लेके और इधर तक जाओ जब गेट पे गार्ड खड़े ना, वो बोल रहे बंद कर ले इसको, के देखे भाई, उधर बोलते के देखे है, वो बंद कर ले ना। तो मैं बोला भाई एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार चेक हुई है भाई, छह बार चेक हुआ मुझे, एंट्री हुई है। पब्लिक बिल्कुल मोदी 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 चिल्ला रही है। भाई जब आपको एक भाई दिखाऊंगा, वो है ना ऐसा ऐसे करता है जैसे कि वही मदनलाल शर्मा हो, अभी आपको दिखेगा, देखना देख लीजिए, ये रही रही देखो, चारों तरफ घूम रहा है, हाथ हिला रहा है। अच्छे से कोटपुतली के एमएलए को इनवाइट किया जा रहा है स्टेज के ऊपर, हंसराज जी पटेल को। जय महाराज की, जय
सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे और आज कैबिनेट मंत्री कर्नल साहब और बाबा किरोड़ी जी मंत्री महोदय और सम्मान्य मंच और मेरे पिता ने बुलाया नौजवान साथियों एक न छोड़ कर मेरी माता बहनों
द्रौपदी दीदी बनाने के लिए कल संकल्प है। सभी महिलाओं को मैं निवेदन करूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तस्वीर भजन लाल शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो आकर के अपना स्वागत भाषण हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। बोलिए भारत माता की। हम लोग बाहर निकल के आ चुके हैं और कारण उसके पीछे क्या है, इतनी पब्लिक है कुछ समझ में नहीं आ रहा। काफी टाइम हो गया, मोदी जी आ चुके हैं, आप लोगों को दिखा भी दिया, हेलीकॉप्टर भी दिखा दिया। तीन हेलीकॉप्टर से आए हैं, दो जेड सिक्योरिटी में आए हैं, एक उनका खुद का हेलीकॉप्टर था उसके अंदर आए हैं। नहीं आई थिंक ये लास्ट क्लिप हो सकती है, बट अगर कुछ मिला तो वो भी ऐड किया जाएगा। पर एक बार आप इधर देख सकते हैं, अभी जब आए थे जब इतनी पब्लिक नहीं थी, और अभी है ना बाहर पंडौड़ के बाहर भी जो जिस जगह के अंदर ये गाड़ी वगैरह खड़ी है, यहाँ तक भी पब्लिक है ना इतनी, मतलब आई हुई है कि कोई लिमिट नहीं है उसके पीछे। तो अपन ना तो कुछ मैं बोल पा रहा हूँ, और कुछ जैसे पता चल रहा है पब्लिक भागी भागी आ रही है, जैसे पता चला कि मोदी आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया, तब जी आ गए, एक जूती हाथ में एक पैर में। जब मैं गाड़ी पार्क करके गया था, जब मैं पार्क करके गया था, जब इतनी गाड़ियाँ नहीं थी जितनी अब दिख रही है। मानो कि अपनी कहाँ गाड़ी है भाई, और जूतों की बैंड बच चुकी है।